अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में शॉर्ट कुर्ता बनाना बताएंगे, यानी इस कुर्ता का लेंथ कम रहेगी, यानी शर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी लेंथ। और ये कुर्ता ज़्यादा हमारे हिंदू भाई लोग पहनते हैं, तो उन्हीं का कुर्ता है। तो सबसे पहले इसका दामन में सिलाई मार लेंगे हम। एक सिलाई से इसका दामन बनाएंगे। इसका कोना अच्छा से निकाल लेंगे और दामन बिल्कुल बारीक रहेगी। इसी तरह से दूसरा भी दामन में सिलाई मार लेंगे। तो ये दोनों दामन हमारा पक्का हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले सामने का ताबीजी बनाएंगे। तो ताबीजी के एक तरफ पहले किनारे का सिलाई मार लेंगे, फिर ये बटन पट्टी मैंने प्रेस से फोल्ड कर रखा हूँ, बाकी का जो मार्जिंग है कट कर लेंगे। और एक दाव मार्जिंग लेंगे और किनारे का सिलाई मार के हम इसको पक्का करते हुए चले जाएँगे, यानी ऊपर नीचे दोनों कपड़ा पकड़ा जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह काज पट्टी को भी बनाएंगे। तो ये बीच का कपड़ा खोल लेंगे और एक दाब मार्जिन रख के इसको भी हम यहाँ पे चटका मार लेंगे और बाकी कपड़ा कट करके हटा लेंगे। और यहाँ पर से बैठा कर देख लेंगे चारों तरफ से कपड़ा कहीं पे खींचे ना, इसका ताबीजी बना लेंगे। और यहाँ पे दो सिलाई मार लेंगे। ताबीजी का लेंथ रहेगी 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, इससे ज़्यादा ना रखें। और ऊपर पैकेट नहीं रहेगी। ये कपड़ा ये कुर्ता मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ही बनती है। तो हम इसको पहले कच्चा ही सिलाई मारेंगे क्योंकि इसमें ओवरलॉक रखेंगे। और इसी तरह दूसरा साइड में भी कंधी ज्वाइन कर लेंगे। और ये आस्तीन का 1 इंच फोल्ड करेंगे। और इसी तरह दूसरा आस्तीन में भी हम सिलाई मार लेंगे 1 इंच का। और आस्तीन का दोनों आर्मोल का पल्ला मिलाकर देख लेंगे, बॉडी का और मेन पल्ला, तो ये एक बराबर है। तो हम किसी भी पल्ला को नहीं खींचेंगे क्योंकि दोनों पल्ला बराबर है। और दोनों एक जैसा रख करके हम सिलाई मारेंगे। और इसी तरह दूसरा आस्तीन भी लगा लेंगे। और इसमें डबल सिलाई मार लेना है आस्तीन में। तो ये आस्तीन, दोनों आस्तीन हमारा कंप्लीट हो गई है। अब इसका हम साइड में सिलाई मारेंगे। तो दोनों पल्ला को बराबर कर लेंगे और यहाँ पे टांका मार लेंगे अच्छा से, जॉइंट को ऊपर मुँह कर लेंगे। बाकी दोनों पल्ला को बैठा कर यहाँ पे अच्छा से टांका मार लेंगे कि कभी पैकेट में हाथ डालते माता फटे ना। यहाँ पे भी अच्छा टांका मार लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा साइड में भी हम सिलाई मारेंगे, ऊपर से मिला लेंगे, फिर ये चटका में चटका रख करके यहाँ पर टांका मार लेंगे, फिर यहाँ पे भी टांका मार लेंगे।
और इसका जॉइंट भी ऊपर है, यानी आस्तीन के इधर इसका जॉइंट रहे आर्मोल का, और यहाँ पे अच्छा से पक्का कर लेंगे। तो ये हमारा आस्तीन का दोनों तरफ का साइड मार लिया हूँ, अब इसका कॉलर बनाएंगे। तो हम पहले पैकेट के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। पैकेट का लेंथ मैं दिया हूँ 18 इंच, क्योंकि शॉर्ट कुर्ता है इसलिए ज़्यादा लेंथ नहीं देंगे। ऊपर से सारे 6 इंच देख लेंगे, बाकी चटका मार लेंगे और इस तरह सिलाई मार लेंगे, एक दाव ऊपर छोड़ देंगे और दूसरा पैकेट भी हम इसी तरह बना लेंगे। अब इसको हम पलटी कर लेंगे। तो हम ये पैकेट का पल्ला अच्छा से 20 सेंटर में जो चटका मारे हैं जॉइंट के बीच में रहेगी, और यहाँ पे किनारी का सिलाई रहेगी, और इस तरह फोल्ड करते हुए, और ये जो पॉइंट है बिल्कुल जॉइंट के पास रहेगी, और फोल्ड करते हुए हम इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो ये हमारा पैकेट बन गई है। इसी तरह से आपको दूसरा पैकेट भी लगा लेना है। ये कॉटन कपड़ा है, इसकी वजह से मैं इसको कच्चा सिलाई नहीं मार रहा हूँ। इस तरह हाथ से कॉटन कपड़ा है, हाथ से मोड़ने में आसानी रहती है। तब इसको हम पलटी कर लेंगे। अब रह गई है सिर्फ कॉलर लगाना। तो ये हम कॉलर पहले से बना रखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी हम बताए हैं कॉलर कैसे लगाना चाहिए, यानी कॉलर कैसे बन कटिंग करना चाहिए और इसको चिपका कर कैसे बनाना, इससे पहले भी काफ़ी वीडियो में मैं बताया हूँ। टाइम बचत हो इसके वजह से मैं कॉलर पहले से बना रखा हूँ। तो मैं ये इस तरह करके नाप के देख लेंगे। यहाँ पे एक चटका मार देंगे, जो ये यहाँ पे थोड़ा सा खांचा रहेगी, यानी आधा इंच का, और यहाँ आधा इंच छोड़ के हम इसका कॉलर लगाएंगे, ताकि जब बटन लगने के बाद दोनों पॉइंट, जैसे जैकेट में नैरो जैकेट में दोनों पॉइंट एक जैसा दिखती है, अपोजिट दोनों सट जाती है, इस तरह सटेगी। यानी इस बैंड में बढ़ती पल्ला बैंड नहीं दिया हूँ, और एक दाब का मार्जिंग लेंगे चारों तरफ से, क्योंकि मैं एक ही दाब का मार्जिंग छोड़ा हूँ बैंड में। जब सिलाई मारेंगे ऊपर से तो बिल्कुल जड़ में सिलाई आएगी, और ये जो काज पट्टी के पास भी, जिस तरह बटन पट्टी को अंदर मुँह करके हम सिलाई मारे हैं, इसको भी पॉइंट से अंदर कर लेंगे, और यहाँ पर टाँका अच्छा से मार लेंगे। बाकी इसको जितना भी कचरा है अंदर कर लेंगे, और किनारी का सिलाई मारेंगे और कपड़ा को बैठाते जाएंगे, सिलाई बिल्कुल जॉइंट के जर में रहेगी सिलाई। और यहाँ पे भी जितना भी अंदर का धागा है सबको अंदर डाल लेंगे बैंड के अंदर, ताकि बाहर से कचरा ना दिखे। अब बाकी का जो धागा है कट कर लेंगे। तो एक बार कॉलर बैठा कर देख लेंगे कहीं पे रिंकल तो नहीं ना है। तो ये हमारा कुर्ता वाली वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हैं।
और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें।